डायरेक्टर की नज़र से देखा हूँ स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगी। सुनील पटेल साहब जो डायरेक्टर हैं उनका काम आपको कैसा लगा, एक डायरेक्टर को दूसरे डायरेक्टर का काम कैसा लगा? देखिए हर डायरेक्टर अपने अपने लेवल पे एक कोशिश करता है हर फिल्म को बेहतर बनाने की। बाकी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं जिसके ऊपर फिल्म अच्छी बनना या ना बनना, क्योंकि पिक्चर जब हिट होती है तो उसकी जो प्रायोरिटी है सभी लोग जाती है, लेकिन कोई भी मूवी जब फ्लॉप होती है तो इसका सारा श्रेय डायरेक्टर के ऊपर ही आता है। तो शायद बॉक्स ऑफिस डिसाइड करेगा इसको कि डायरेक्टर का काम ये तो सदियों से चला आया है, कुछ नया है नहीं। बाकी जो एक्टर्स हैं ज़्यादातर न्यू फेसेस हैं, आपको सारे न्यू फेसेस हैं से साथ बनाई गई उनका काम आपको कैसा लगा? अच्छा, बच्चों ने अच्छी कोशिश की है और इस मूवी की एक सबसे अच्छी बात ये भी रही है कि सारे नए आर्टिस्टों को ब्रेक दिया है डायरेक्टर ने। तो फिल्म बहुत अच्छी है, सुनील पटेल जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और सभी एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है और हम प्रार्थना करते हैं कि फिल्म बहुत चले, पूरे देश में सुपर हिट हो। कुत्ते की धूम आप सब देखना ना भूलें आपके नियर सिनेमा घरों में, बहुत अच्छी पिक्चर है और बहुत अच्छी पब्लिसिटी, एवरीथिंग बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट कहानी डायलॉग डिलीवरी एवरीथिंग एक्टिंग वाइज म्यूजिक बहुत अच्छा है। तो आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें, मेरी शुभकामनाएं सुनील पटेल जी के साथ और फिल्म की कुत्ते की धूम फिल्म की पूरी टीम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत चले, सबका बहुत नाम हो, बहुत नाम कमाए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मैं बस उनको गुड लक कहना चाहूँगी कि मूवी उनकी रिलीज हो, चले और जितना भी लगाए उससे ज़्यादा वो अर्न करें एंड गुड लक। आपको ये पूरी फिल्म देख के किसी की याद आई, किसी ऐसी दोस्त की जो आपको लगा हो कि सच में कुत्ते की धूम का? हाँ हाँ, मेरे एक फ्रेंड की मुझे याद आई क्योंकि वो भी एक हर चीज़ को ऐसे रिपीट करके करता था, कितना भी समझाओ समझता नहीं था। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड की जरूरी मतलब कुछ सीन्स है जिन्हें देख के मुझे उसकी याद आई। थैंक यू सर। फिल्म बहुत अच्छी है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये फिल्म कामयाब हो और शाज मीडिया ने दावत दी है, बहुत बहुत मुबारक हो इनको और आप लोग सब लोग देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच। मैं ऑफकोर्स मैं भी एक औरत हूँ और जिसने ये फिल्म बनाई है वो भी एक औरत है, सोनिका पटेल एंड शुभ चांदनी पटेल। सो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सारी औरतों की जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बड़ी मेहनत से कम पैसों में 30 लाख रुपए में हमारी छोटी सी फिल्म बनी है, उसको खर्चा हमने 3 गुना ज़्यादा किया है, उसके ऊपर 90 लाख रुपए हमने सिर्फ प्रमोशन पे खर्चा किया है। सो अच्छी तो होनी है और फिल्म भी अच्छी है, सरकार भी अच्छी है और सब कुछ अच्छा है। थैंक यू। बस पब्लिक पसंद करे, जनता इसको खुले दिल से कहते हैं स्वीकार करे और ढेर सारा प्यार दे जनता, यही उम्मीद है। कम बजट में नहीं, प्रमोशन आप सब भी देख रहे हैं, मेकिंग ओनली कम बजट था, बाकी तो बजट बहुत ऊपर हाई है, आप रिलीज भी देख लीजिए, आप सब यहाँ खुद खड़े हैं, ओनली शूटिंग का कम बजट था, बाकी कम बजट नहीं है फिल्म का। और रही बात वुमन पावर की, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ वुमन अपने आप में नारी खुद शक्ति है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर आप कोई चीज़ ठान लेते कि मुझे ये मंजिल अचीव करनी है तो वो आप हासिल कर लेते, बस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आपको चलना है। नर्वस 1% भी नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि खुदा की नेमत मेरे ऊपर है, आशीष किया उसने और मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ तहे दिल से। मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया यहाँ खड़े रहने का, नहीं तो सर बहुत मुश्किल से ऐसी जगहें मिलती है जहाँ पे खड़े रहने। आई एम जस्ट थैंकिंग गॉड एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट बिकॉज जो उसने टैलेंट मुझे दिया मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आपको कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, हमने लोगों से रिव्यू भी लिया फिल्म के बारे में, वो कह रहे हैं कि फिल्म बहुत ही अच्छी है, क्या कहना चाहेंगे एक्टर आपका क्या रिएक्शन? हमारे लिए तो बस आई हैव नो वर्ड्स टू से, मैं क्या कहूँ,
बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जैसे कि पहले भी बता चुके थे कि एक हॉरर कॉमेडी है और एक थ्रिलर ड्रामा सब कुछ है, तो हम लोग तो सब बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। बाकी आपको अच्छे से बताएंगे ललित। सर आप क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी अच्छा जी जी जी, यही तो हम सुनना चाहते थे जब शुरुआत की थी एक्टिंग की, यही तो था मन में कि हाँ लोग कहें कि भाई काम किया, अच्छा काम किया। और जहाँ तक पिक्चर की बात है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था कि लोगों को पसंद आएगी एंड उन्हें आ रही है बहुत अच्छा। अगर ये पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा मिल रहा है, सबर का फल मीठा है, अच्छा लग रहा है। जी सर, जैसे कि पूरी टीम ने पूरी मेहनत की है, पूरा जोर लगाया, उसका रिजल्ट आज मिल रहा है, तो ये जान के बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही एक्साइटमेंट। मुझे एक ही सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला, ए जरा चश्मा निकाल, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए यही था। बंदर मैं मेकअप नहीं यूज करती। सर मेरे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि तू ही सही में बता दो बोले अरे तूने तू तेरी आवाज़ है ना, वो तू ही कर रहा है ना, वो कोई है तो नहीं कोई डुप्लीकेट वगैरह। सो मुझे बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मेरी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स, मैं उदयपुर से हूँ, उदयपुर वाले तो बहुत खुश थे, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे रिव्यू थे। बिल्कुल बहुत मतलब सही है मेरे अंदर अलग अलग तरह के इमोशंस हैं, नर्वसनेस के भी है, एक्साइटमेंट के भी है, अलग अलग चीज़ें हैं मतलब। एंड मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, जो ये फीलिंग है, ये फर्स्ट टाइम फीलिंग, मैं एक्चुअली इसको एंजॉय कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, कुत्ते की धूम 2 नवंबर कल रिलीज़ हो रही है, तो सब अपने फैमिली के साथ मूवी देखने जाएं क्योंकि मूवी बहुत कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी है, लव भी है, ड्रामा भी है, तो इस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, तो कुत्ते की धूम जरूर देखिए। हाय एवरीवन, क्या आपने योयो टीवी ऐप डाउनलोड किया? नहीं तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगा न्यूज एंड एंटरटेनमेंट मसाला। जी हाँ, तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप।